क्लाइमेट करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा कई सेवा की और सामाजिक प्रवृत्तियां की जाती है। क्लाइमेट करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दिनेश गुप्ता जी के आदेश से पूरे देश भर में समाज सेवा की प्रवृत्तियां की जाती है, जिसमें पर्यावरण के जतन हेतु वृक्षारोपण, रक्तदान कैंप, अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों की सेवा, वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा और आपत्ति काल में भी पूरे देश भर में क्राइमेंट करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के सदस्य सामाजिक, धार्मिक एवं सेवा की प्रवृत्तियां करते हैं। फिलहाल पूरे देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इस महामारी में आरोग्य विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग के जवानों ने अपने घरबार की परवाह किए बगैर दिन और रात एक कर अपने वतन के लोगों की सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। इनकी सेवा को देखते हुए क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। इसी मुहिम के चलते देवभूमि द्वारका जिले में क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा पुलिस स्टाफ का सम्मान किया गया। देवभूमि द्वारका जिले के बानवाड़ तहसील के पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री एच आर हेरबा, देवभूमि द्वारका जिला के वाड़ीनार गांव के पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री ए आई चावड़ा और पुलिस स्टाफ का क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के पदाधिकारी और कर्मचारियों द्वारा सम्मान किया गया। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात चीफ ऑफिसर श्रीमान पर्वत भाई चेतरिया, देवभूमि द्वारका जिला प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह जाडेजा, सौराष्ट्र चीफ ऑफिसर मोरूभाई लगारिया, जाम खंबालिया प्रेसिडेंट श्रीमान एस ए वाडेर, देवभूमि द्वारका जिला साइबर क्राइम ऑफिसर अजीत सिंह जाडेजा, बानवाड़ तहसील प्रेसिडेंट श्रीमान लखन जे करावद्रा, वाइस प्रेसिडेंट प्रतीक जी गोस्वामी ने पुलिस स्टाफ का सम्मान किया। इसी दौरान देवभूमि द्वारका जिले की पूरी टीम उपस्थित रही। पुलिस स्टाफ के सराहनीय सेवा की कार्य के चलते क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दिनेश गुप्ता जी ने पूरे पुलिस स्टाफ का आभार व्यक्त किया और कहा कि दिन रात एक कर इस महामारी में अपना फर्ज निभाने वाले हर एक पुलिस के जवान और कोरोना वॉरियर्स को सलाम है। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा ऐसे ही सराहनीय कार्य और पदाधिकारियों को हमेशा सम्मानित किया जाएगा। इनका सम्मान करने वाली पूरी देवभूमि द्वारका जिले की टीम को श्रीमान दिनेश गुप्ता जी ने शुभकामनाएं दी। वहीं क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कल्पेश आचार्य जी ने देवभूमि द्वारका जिले के पुलिस प्रशासन का इस सराहनीय फर्ज के बदले आभार व्यक्त किया और कहा कि आरोग्य विभाग और पुलिस प्रशासन से लेकर हर कोरोना वॉरियर्स ने अपने और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा हेतु दिन रात कार्य किया है, जिनके हम ऋणी है। और क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा हमेशा ऐसे पदाधिकारियों का सम्मान किया जाएगा, बेशक यह सम्मान के बिल्कुल हकदार है। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष वुमेन सेल श्रीमती दीपिका भदुरिया मैडम जी ने कोरोना कहर के बीच अपना फर्ज निभाने वाले पुलिस और आरोग्य अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और इनका सम्मान करने वाली देवभूमि द्वारका जिले की टीम को शुभकामनाएं दी।